देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त आज पाकिस्तान में हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है पूरी दुनिया में। जितने बच्चे इधर मरते हैं किसी और मुल्क में दुनिया में नहीं मिलते हैं। पानी की कमी है, वाटर क्राइसिस है, कोई प्लान नहीं है। हेल्थ केयर और एजुकेशन साउथ एशिया में सब अमंग द लोएस्ट है। 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। करेंसी डिवैल्यू हो गया है, कर्जा बढ़ गया है। अभी आप एक मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट बनने जा रहे हैं। आपको ग्रे लिस्ट में 8 जून को डालेंगे और उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर ब्लैक लिस्ट में आप चले जाएं तो सब बिजनेस तबाह हो जाएगा, बन जाता है। हाँ, और आप कहते हैं कि वो सबसे महंगा एक्सपेंसिव ऑरेंज लाइन ट्रेन दिया गया है आप इधर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोग हाथ ऊपर करके कहते हैं खुदा हमें बख्शो, हमें बचाओ इन लोगों से, और आप कहते हैं कि हम फिर आ रहे हैं इंक्रीज मेजॉरिटी। ये इलेक्शन 1977 से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा और पाकिस्तान के लिए भुट्टो को वो खत्म किया था, ये डेमोक्रेसी को खत्म कर सकता है ये इलेक्शन। हम तो यही दुआ करते हैं कि खैरियत से अगर इंतखाबात होने जा रहे हैं तो खैरियत से हो जाए।